तो व्हाट्सअप गर्ल्स तैयारियां हो रही हैं यस ना। ये मेरे कच्चे बनियान वगैरह, हर तरह की मेडिसिन आपको लेके जानी होती है। ये है हमारा तवा। ओ यार, तो व्हाट्सअप गर्ल्स तैयारियां हो रही हैं ना। आप क्या कर रहे हो? यो टॉयज पैक कर रहे हो। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो इतनी सारी नेल पेंट। भैया ये देखो जी, ये मेरा बैग है, ये मेरे कच्चे बनियान वगैरह। और ये ऐना करियर टॉय की पैकिंग। और आने आप क्या कर रहे हो? अंडर गारमेंट की पैकिंग, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। वेरी गुड। ये बैग किसका इतना बड़ा? हमारा मीन बच्चे कितने हैं? दो बच्चों का इतना बड़ा बैग। और ये है भैया हमारी आठवीं जोशी की क्रिएटिव आर्टिस्ट शिखा। ये क्या है भाई, हो गई पैकिंग? भी कुछ रह गया है अभी? बस ये डन है, बैग में डालना है। ये बैग में डालना है सारा। ये हमारी टॉयज रखने का है। लेकिन भाई ये स्कूल बैग, बुक्स रख ली अपनी? नहीं रखी? सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा, वेरी गुड। बुक्स भी रख लीजिए, क्योंकि हमें पढ़ाई भी पूरी पूरी करनी है। ठीक है जी, ये तो हो गई हमारी क्लॉथ की पैकिंग। अभी वहाँ शिखा लगी हुई है। ये हमारा सारा घर बिखरा पड़ा है। और अब इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा, वो है ये मेडिसिन। हर तरह की मेडिसिन आपको लेके जानी होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। ज़रूरत ना पड़े तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब कभी ज़रूरत होती है ना तो बहुत दिक्कत होती है। ये थोड़ा हमारा चाय कॉफ़ी का सामान है। ये बच्चों का जंक, फुल मस्ती के मूड में बच्चे जा रहे हैं। और ये अब आते हैं अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट पर, जो कि है हमारा कैंपिंग का सामान। ये सारा किचन का सामान है, छोटा छोटा। ये जैसा कि आपको पता है कि हमारी कार भी एक किचन है, जिसके अंदर हमने किचन बना रखा है। ये सारा वहाँ पर हम जाके फिल कर देंगे। इसमें है हमारा एक, ये छोटा सा हमारा एक प्रेशर कुकर है, जिसका बहुत यूज़ होने वाला है इस ट्रिप पर। उसके अलावा ये एक लाइट हम लेके जा रहे हैं, ये बच्चे जब पढ़ेंगे तो उसके बहुत काम आएगी। ये हमारा है टेंट, ये डीकैथलॉन से हमने टेंट लिया था। ये भी हम आपको ट्रिप पर खोल कर दिखाएंगे कि खुलने के बाद कैसा होता है। बहुत ही स्पेशियस है। ये हमारा ड्राई मिल्क वगैरह। और ये हमारी कैंपिंग लाइट, ये कैंपिंग लाइट है, बहुत ज़रूरी है ये लाइट। ये देखो, ये बहुत सारे मोड में चलती है। ये सोलर से चार्ज होती है, सोलर से भी हो जाती है, और ये हमारा यूएसबी से भी चार्ज हो जाती है, ये यहाँ से। ठीक है। और ये हमारा स्टोव, जो कि चलता है ब्यूटेन गैस से। ये ब्यूटेन गैस के हम चार सिलेंडर लेके जा रहे हैं। ब्यूटेन गैस का ये है, ये ऑन कंपनी तो क्लेम करती है कि 3.5 घंटे का एक सिलेंडर चलता है, तो उस हिसाब से हम चार सिलेंडर लेके जा रहे हैं। ये हमारा स्टोव है ब्यूटेन का, यहाँ पर हमारा सिलेंडर लगता है। आपने ऋषिकेश के ट्रिपर्स को देखा ही होगा, फिर भी जब कैंपिंग हम स्टार्ट करेंगे तो आपको फुल डिटेल में बताऊँगा इसके बारे में। ये हमारा टेंट के लिए एक फ़ैन है, जो कि यूएसबी चार्जर से चलता है। ये इसका यूएसबी चार्जर है, इससे चलता है। ये हमारा एक टैब है, ये भी चार्ज होता है यूएसबी से। और उसके बाद यहाँ पर पाइप स्ट्रॉ लग जाता है, और स्ट्रॉ हम कंटेनर में डाल देंगे, जो उसके ऊपर ऐसे आ जाएगा। और दोस्तों, ये जैसा कि ऋषिकेश में आपने देखा था कि एक दिन हमारा ये स्टोव हमें धोखा दे गया था, तो वो दोबारा ना हो इसके लिए हम लेके चल रहे हैं एक ये वाला स्टोव। ये 2 लीटर का हमारे पास एलपीजी का सिलेंडर है, जिसके ऊपर ये लगा हुआ है, स्टोव बोलते हैं जो भी है। ये लेके चल रहे हैं ताकि अगर ये हमारा फेल हो जाता है तो हम भूखे ना मरें। और ये सबसे हॉट प्रोडक्ट है, ये है हमारा तवा। और इसको ढूंढने में हमें कम से कम आधी दिल्ली लग गई, आधी दिल्ली घूमे फिर जाके तवा मिला है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना हैंडल का है, और ये प्योर आयरन का है। ये हमने इसलिए लिया कि अगर इन केस हम वहाँ पर चूल्हा वगैरह जलाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक ऐसी सॉलिड चीज़ होनी चाहिए जिसके ऊपर हम अपने पंजाबी स्टाइल पराठे बना सकें। टिश्यू पेपर। और ये हमारे कैंपिंग के बर्तन है, ये आप ऋषिकेश के ऊपर देख ही चुके हो। ये 4 का सेट है, इसमें आप चाय से लेके मैगी से लेके हर चीज़ बना सकते हो। ठीक है जी।
अब एक ये सिलेंडर जो है इसके साथ हमने ये अटैचमेंट ली है, इसका फ़ायदा क्या है कि इस गैस से हमारा ये वाला स्टोव भी चल जाएगा। अगर हमें ये ख़त्म हो जाते हैं, अगर हमें इनको नहीं यूज़ करना है, तो हम इस रेगुलेटर को यहाँ लगाएंगे और इस नॉब को हम यहाँ लगाएंगे, तो ये हमारा डायरेक्ट एलपीजी से चलेगा। और ये जो आन्या बैठी हुई है ये है स्टूल कम चेयर, ये चेयर है, स्टूल है जो कि ऐसे चेयर बन जाता है, और ये चेयर है जो ऐसे स्टूल बन जाती है। तो ये ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम बैठने के काम आएगी। और ये है बच्चों की चटाई मैट, जिसको हम कहीं पर भी बिछाएंगे, जहाँ पर बच्चे अपना खेलेंगे कूदेंगे और पढ़ेंगे भी। तो ये हमारा हो गया कैंपिंग का स्टाफ। इसके अलावा और क्या करने जा रहे हैं वो दिखाते हैं आपको। अब हम चलते हैं इस साइड अपने स्टूडियो की तरफ। ये हमारा स्टूडियो है, इसमें हम लेके जा रहे हैं, एक लेके जा रहे हैं बॉस का ये स्पीकर एंटरटेनमेंट के लिए, और ये हमारा जो बिग डेस्कटॉप है जिस पर सारी एडिटिंग होती है, और अभी भी मैं एडिटिंग ही कर रहा था, तो इसको हम नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि बहुत बिग है। तो इसलिए हमें ख़रीदना पड़ा है ये लैपटॉप, जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमने ये लैपटॉप लिया है, इसको हम कैरी कर रहे हैं, और लैपटॉप के साथ ले जा रहे हैं हम हार्ड डिस्क। ऑब्वियसली तीनों नहीं लेकर जाएंगे, ये सीगेट की ले जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर भी 256 GB का स्पेस है हमारे पास SSD का। और इसके साथ लगेगा हमारा ये मिनी कीबोर्ड, माउस और मैट। और ये जो कीबोर्ड और माउस है ये लगेगा, ये डिपेंड करता है आने के मूड पर, क्योंकि उसके डेस्कटॉप का है, जब वो नाराज़ हो जाती है तो वो हमसे ये ले लेती है, तो देखते हैं वो कितना कितना नाराज़ होती है, और नहीं ये फिर से नाराज़ होगी लग रहा है। ओके, और इसके अलावा लेके जा रहे हैं हम ये छोटे से टूल, जिसमें हमारा हैमर है, ये फाइल है, प्लास है, ये मिनी प्लास है, दो तरह की टेप है, और ये हमारा उसका सेट है स्क्रू ड्राइवर का। ये भी बहुत काम आता है, क्योंकि जब इनकी ज़रूरत होती है तो ये हमें मिलते नहीं हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, ये हमारा मल्टीपल एक्सटेंशन, इसके अंदर 1, 2, 3, 4 हमारे 3 पिन है, 2 पावर के 2 नॉन पावर के, और 1, 2, 3, 4 USB है। तो ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, एक ही जगह हम प्लग लगाएंगे और उसके ऊपर इतने सारे डिवाइस हमारे चार्ज हो जाएंगे। तो और इसके अलावा हमारे पास है ये देखो जी, असली चीज़, जो भी हम शूट करते हैं वो आप तक पहुँचता है हमारे इन इक्विपमेंट की वजह से। इसमें है हमारा DSLR कैमरा, जिसका एक 18-24 लेंस है, कौन सा लेंस है भाई ये, आई थिंक यही होगा 18-24, एक इसमें ये छोटा लेंस है, एक हमारे पास ये बड़ा लेंस है 55-250। इसके अलावा हमारे पास है ये GoPro का हीरो एक्शन कैमरा, और ये हमारे शूटिंग की जान Insta360, ये 360 के एंगल पर भी शूट हो जाता है इसका ये लेंस बदलने से। इसके अलावा हमारे पास है कि मोबाइल गिम्बल, स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो भी हमारे शॉट्स होते हैं इम्पॉर्टेंट हम इससे लेते हैं। ये आपने देख ही लिया था, पावर बैंक कॉलमेट का, जो जिसके पीछे काफ़ी धक्का मुक्की हुई थी, अब ये फाइनली हमारे पास आ गया है, इसको हमने चार्ज कर लिया है, और इसको फुल 100% चार्ज होने में 36 आवर लगे हैं, 36 घंटे इसको पूरा चार्ज होने में लगे हैं। इससे भी हम 4 डिवाइस एक साथ चार्ज कर सकते हैं, 4 आउटपुट है और 3 इनपुट है। इसके अलावा हमारा एक छोटा पावर बैंक, एक और छोटा पावर बैंक, ये हमारा माइक है, और ये हमारा वायरलेस माइक है, गोडॉक्स का माइक है, ये वायरलेस माइक है, इसको भी हमने चार्ज कर लिया है। इसमें एक रिसीवर है और 2 ट्रांसमीटर हैं, या 2 रिसीवर हैं और 1 ट्रांसमीटर है, ये मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा डिटेल में, देखेंगे। कैमरे की बैटरी का चार्जर और बहुत सारी हमारे पास वायर हैं, ये एक बैग है जिसमें बहुत सारी वायर हैं, और ये देखिए ये सारा हमारे पास वायर से भरा हुआ है, क्योंकि एक भी चीज़ अगर हम मिस कर देंगे ना तो यार फिर ना वहाँ ना बड़ी दिक्कत होती है। तो ये हमारा लैपटॉप का बैग, और ये शिखा का आर्ट रूम, आर्ट स्टूडियो, ये देखो ये बाई चांस पेंटिंग टेढ़ी हो गई थी तो उसका भी डिज़ाइन बन गया। तो दोस्तों अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपके 10 मिनट के एपिसोड के लिए हमें कितना कुछ करना पड़ता है। ये देखो ये भी एडिटिंग चल रही है, आई होप अगर कल रिलीज़ हो जाएगा ये वीडियो।
तो तैयारियां पूरी हैं, सुबह हमें निकलना है यहाँ से 8 बजे। पहला स्टॉप होगा हमारा कीरतपुर साहिब, उसके बाद कहाँ जा रहे हैं वो कल पता चलेगा। आई होप कि मैंने सब कुछ रख लिया, कुछ भूल ना गया हूँ मैं। बाकी देखो तो बच्चों, आर यू एक्साइटेड? हाउ मच? थोड़ी होल्ड। ओ यार बैग, ओ इससे याद आ गया मेरे को अपनी प्लेट्स रखनी है जिम की। थैंक यू आन्या, थैंक यू सो मच। मुझे अभी अपनी जिम की प्लेट्स रखनी है क्योंकि मेरे को वहाँ रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी है। पूरा दिन मैं किचन पैस कुछ कॉम्प्लेक्स में एक्सरसाइज भी है। हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं जा रहे, हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाते हैं हमेशा, पर अभी हम वहाँ पर भी नहीं जा रहे। हाँ भाई, तूने अपने सौंदर्य के सारे सामान रख लिए, सौंदर्य प्रसाधन के? बिल्कुल सही। हाँ भाई तूने बिल्कुल ओ गुस्सों की नानी। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि सारी तैयारियां मैंने कर ली हैं। कुछ रह गया हो तो आई डोंट नो, मेडिसिन बहुत ज़रूरी है, मैंने बता दिया। ये ब्रेड व्रेड है हमारी। चलिए फिर मिलते हैं सफ़र पर, रास्ते में बाकी बातें हम करेंगे रास्ते में। और बस यही सब है कि अगर किसी को इसमें से कुछ डाउट लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक एक चीज़ का हम बहुत ही डिटेल में आंसर करने की कोशिश करेंगे जितना हमें ज्ञान है। और उसके अलावा तो और कुछ नहीं है यार। बाकी आई थिंक आपके साथ भी होता होगा कि जब तक हम निकल नहीं जाते ना, लगता है कुछ ना कुछ रह गया। और देखा, ये भी लेके जाना है भाई, ये एक छोटी सी क्रेन होती है कैमरे की, यहाँ कैमरा लग जाता है और हम इसको कहीं पर भी होल्ड करके अपना कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा, ये नहीं ले जा पाएंगे ना, ये लाइट्स ले जा पाएंगे हम। ये भी बहुत बड़ी है भाई। और कुछ नहीं है, बस आई थिंक सब कुछ कवर कर दिया है मैंने। कुछ रह गया होगा तो टाइम टाइम पर बताता रहूँगा। अभी हम साथ में आटा, दाल, चावल और जो भी ज़रूरी दालें वगैरह हैं वो लेके जाएंगे। ये सारे कंटेनर अभी हमने भरने हैं जो कि अभी खाली पड़े हुए हैं। ये रैकेट है, आई थिंक अन्य को याद आ गया तो वो इसको भी रख लेगी। तो दोस्तों ये है हमारी तैयारी और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी हो गई है। अब इन सबको हमें पैक करना है, गाड़ी में लोड करना है और फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाना है। अब आपसे मुलाकात होगी रास्ते में। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने कर दिया है वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करना बिल्कुल बनता है, और शेयर करो यार, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी जब आप लोग सब्सक्राइब या लाइक नहीं करते ना, तो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता यार। तो इसको प्लीज़ शेयर करो। और अभी ये हमारा जो स्वीट होम है, इसको हम सुबह बाय बाय कर देंगे कुछ दिनों के लिए, पर हमें पता है कि हमें असली नींद यहीं पर आनी है। आने को ऐना कुछ कहना चाहती है? नहीं, हाँ जी बोलो। नेल पेंट टाइम, यस नेल पेंट टाइम। तो चलो यार, इसी उम्मीद के साथ कि हम कुछ भूले नहीं हैं, अपना आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अब आपको कल रास्ते में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।